नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच न्यूक्लियर डील के बाद से नॉर्थ कोरिया भड़का हुआ है। तानाशाह किम की बहन किम यो चोंग ने डील को देखते हुए अपनी सैन्य ताकत का और प्रदर्शन करने की बात की, और साथ ही तानाशाह की बहन ने बाइडन की अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी उठाने की क्षमता पर भी सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यो जोंग ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया की सत्ता को लेकर जो बयान दिया है वो बहुत ही बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है। बाइडन अमेरिका की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है। दरअसल वो एक बूढ़े आदमी जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, उनके लिए तो अपना कार्यकाल पूरा करना भी शायद मुश्किल ही होगा। दरअसल हम आपको बता दें कि 26 अप्रैल को बाइडन ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की, और इस दौरान दोनों नेताओं ने न्यूक्लियर वेपन से जुड़े एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसको वॉशिंगटन डिक्लेरेशन नाम दिया गया था। इस एग्रीमेंट में अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्लास्टिक मिसाइल सबमरीन साउथ कोरिया को भेजेगा, और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाइडन ने कहा अगर नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हमला किया तो ये वहां की सत्ता के अंत का कारण बनेगा। हम नॉर्थ कोरिया से आने वाले हर खतरे के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जवाब देंगे। और इसी के साथ तानाशाह की बहन ने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच डील इस बात का सबूत है कि वो हमारे प्रति आक्रामक रवैया अपनाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। बाइडन और योल के बीच हुई बैठक ने परमाणु क्षमता बढ़ाने के हमारे फैसले को सही साबित कर दिया, इसलिए हमें परमाणु जंग के लिए अपने डिफेंस को और मजबूत करना है। और किम यो जोंग ने एक और बात कही कि हमारे दुश्मन जितना ज़्यादा परमाणु जंग के लिए युद्धाभ्यास करेंगे और कोरियन पेनिनसुला में हथियार तैनात करेंगे, उतना ज़्यादा अपनी रक्षा के लिए नॉर्थ कोरिया की कोशिशें और मिसाइल टेस्टिंग सही साबित होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया 2022 से अब तक 100 से ज़्यादा मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्षमता वाली प्लास्टिक मिसाइल सहित कई ICBM भी शामिल है। नॉर्थ कोरिया ने लगातार ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने का दावा किया है जो साउथ कोरिया पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही किम जोंग उन ने यह भी कहा कि उसने ऐसे लंबी दूरी के हथियार भी बनाए हैं जो जरूरत पड़ने पर अमेरिका तक पहुंच सकें। इसके अलावा किम ने जल्द ही एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की भी बात कही थी। दरअसल इस सैटेलाइट का मकसद अमेरिका साउथ कोरिया के जापान मिलिट्री अक्सर पर नज़र रखना है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ रहे परमाणु धमकियों के बीच अमेरिका और साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया में हाल ही में अपनी पहली सोलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सफल परीक्षण किया था। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अब तक की अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल को हवासोंग 18 नाम दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।